जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जो है पाकिस्तान चौक पे। अब हम जब निकल रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा कि काला धुआं जो है आसमान पे जो है वो जा रहा है। इस वक्त जो हम जहाँ पे मौजूद हैं ये जो है पीछे PTCL के ऑफिस है जिसमें जो है वो आग लगी है, लेकिन इस वक्त जो है बताना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि अभी तक इब्तदाई तौर पर पता नहीं लग सका कि आग जो है वो कहाँ लगी। दो गाड़ियाँ जो है वो पहुँच चुकी है जो है फायर ब्रिगेड की, और जो पुलिस अहलकार है वो भी पहुँच चुके हैं। इस वक्त जो है जो एम्बुलेंसें भी पहुँच चुकी है, और दो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है अंदर जो है पता नहीं चल सका कि आप अभी जो है वो अंदर आग कहाँ से लगी, लेकिन इस वक्त जो है धुआं निकलना जो है बंद हो चुका है। लेकिन अंदर जो कुछ लोग जो यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये सारे जो है स्टूडेंट खड़े हुए हैं, ये जो सुबह से देख भी रहे हैं कि जैसे यहाँ पर पहुँचे और काला धुआं निकला, ये जो है बाहर निकल के आ गए। और यहाँ पर जो है अंदर जो है बड़ी ऑफिसें भी हैं, लेकिन उन्होंने जैसे देखा कि पीछे जो है बड़ी बड़ी जो है धुआं निकल रहा है, तो ये बाहर आकर मेन रोड पे पहुंच गए। और इनसे हम जो है जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस कब लगी और कैसे लगी, इस हवाले से पूछेंगे कि उनको अगर कुछ मालूम आते हैं इस बिल्डिंग के हवाले से तो इन पूछ लेते हैं। मैडम, आप यहाँ पर थी जब ये आग लगी? हाँ। कैसे लगी ये? हम लोग अपने काम में थे, हमें नहीं पता इस बारे में। तो आप ऑफिस में काम कर रहे थे? आपको पता है? हाँ, पीछे कोई टार्च वगैरह रखे और वो से कहते हैं जलना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद जो है आग की लपटें उठ गई बस। अच्छा, ये पीछे PTCL का ऑफिस है? PTCL के ऑफिस में नहीं थी, वहाँ पे कोई केबल्स वगैरह की हुई थी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वायर। जी नाज़रीन, ये जो एनी शायरी ने यहाँ पे मौजूद थे उनका कहना था कि यहाँ पे जो पीछे ये जो ऑफिस थी उसमें जो है ये आग लगी, जिसके बाद जो है अभी तक धुआं निकला। थोड़ी देर पहले जो है धुआं निकलते 15-20 मिनट धुआं था, उसके बाद जो है धुआं बंद हो गया। इस वक्त जो है वो रेस्क्यू अलकार जो है अपना काम कर रहे हैं, और रेस्क्यू अलकार जो है दो फायर ब्रिगेड जो है बर वक्त पहुँच चुकी हैं, जो इस वक्त जो है आप देख सकते हैं जो है फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं जहाँ आग लगी थी वहाँ मौजूद है। ये इब्तदाई तौर पर जो आप देख सकते हैं सामने पूरे जो हालात हैं, ये जो है फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पे पहुँचा है। दो गाड़ियाँ जो है पीछे खड़ी हुई है, एक गाड़ी जो है अंदर आई है। ये पूरा पैप में आग लगी, जिसके बाद पूरा काला धुआं जो है वो पूरे आसमान पे जो है बादलों की तरह जो छा गया, जो आप देख सकते हैं। दूर से हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि काला धुआं आ रहा है, तो क्योंकि गुज़श्ता जो है 5 दिनों से जो है कराची में जिस तरह के आग के वाक़ात बढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा खुदा न खासा कोई नाखुशगवार वाक़ा हो, तो इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे। हमने देखा यहाँ जो है पैंपों में आग लगी थी। इस वक्त आप देख सकते हैं जो है रेस्क्यू अलकार जो है वो अपना काम कर रहे हैं, रेस्क्यू जो है वो आग पे जो है काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी बिल्डिंग थी, आप बिल्डिंग का ऊपर देख सकते हैं कि बिल्डिंग में जो है वो पूरा धुआं जो है उसने काला निशान छोड़ दिए हैं। आप पूरी देख सकते हैं वहाँ पे, आप देख सकते हैं सामने जो है वो इस वक्त भी रेस्क्यू अलकार लगे हुए हैं। एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है फायर ब्रिगेड की, दो मेन रोड पर खड़ी हुई हैं जो है आग बुझाने में मसरूफ़ है। और यहाँ पे एम्बुलेंस से भी पहुँची, पुलिस अलकार भी पहुँचे, रेंजर सरकार भी पहुँचे, लोगों को पीछे किया, और आप देख सकते हैं जो सारे रेस्क्यू अलकार यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी जो है कार्रवाई कर रहे हैं।